महाराज विक्रमादित्य, मैं सुना हूँ कि आप बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान एवं विलक्षण व्यक्ति हैं, फिर भी आप मूर्ख की भांति मुझे कंधे पर लादे हुए चुपचाप चलते जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रास्ते में कहानी सुनते सुनते आपकी थकावट दूर होगी और रास्ता भी सुगमता से कटेगा। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर जानते हुए भी अगर आप चुप रहे तो उसी क्षण आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, और अगर आप सही उत्तर दे देंगे तो मैं फिर से अपने उसी पेड़ की डाल पर चला जाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ। बहुत समय पहले उत्तर हिमालय में एक छोटा सा गांव था, और उस गांव का नाम था वीरशिवपुर। गांव वालों का मुख्य कार्य था मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पुतले और देवी देवताओं के सुंदर सुंदर मूर्ति बनाना। उस गरीब गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था पराशर। वह अपने पिता के साथ रहता था। कम उम्र होने के बावजूद भी मिट्टी के कामों में बहुत ही मशहूर था पराशर अपने गांव में, और उसके जैसा मिट्टी का काम कोई नहीं कर सकता था। लेकिन पराशर के पिता केशव का यह इच्छा था कि उसका बेटा उसके जैसा मिट्टी का बर्तन बनाकर अपना जीवन न व्यतीत करे। वह चाहता था कि मेरा बेटा शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे, पढ़ लिख कर वह अच्छा इंसान बने। इसलिए पराशर को एक दिन अपने पास बुलाकर कहने लगे, पराशर, ऐ पराशर। पिताजी, आप मुझे बुला रहे हैं क्या? क्या कर रहे हो अभी? क्या करूं, मूर्तियों को रंग रहा हूं पिताजी। वह सब करके क्या फायदा? पूरी जिंदगी मेरी तरह मिट्टी का काम करेगा तू? यह सब छोड़कर थोड़ा पढ़ लिख ले बेटा। क्या हो गया है आपको? सुबह सुबह ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कुम्हार का लड़का कुम्हार का काम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी तरह मिट्टी के काम नहीं करोगे। हाँ, पढ़ाई लिखाई करोगे, खूब मन लगा कर पढ़ाई लिखाई करोगे। जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। हाँ, सुनो, तैयारी कर लो, कल सुबह ही हम लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे पिताजी? पास के गांव शेरपुर, त्रिकुट मुनि आश्रम है, वहाँ जाकर ऋषि मुनि से शिक्षा ग्रहण करना है तुझे, समझा? अस्त्र शिक्षा, शस्त्र शिक्षा, तुम यह सब प्राप्त करके एक दिन बहुत बड़े हो जाओगे। आपको अकेले छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा पिताजी। अरे बेटा, बात सुन मेरी, जिद मत कर बेटा, जिद मत कर बेटा। पूरा गांव तो है मेरे साथ, तू निश्चिंत होकर जा, तू मेरी चिंता मत कर बेटा। ठीक है। वह देखो आश्रम आ गया है, जल्दी जल्दी उतर जाइए। हाँ, उतर रहा हूँ, उतर रहा हूँ। चल चल जल्दी जल्दी उतर जा। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो तुम? गुरुदेव, मैं केशव हूँ, वीर शिवपुर गांव से आया हूँ। मैं एक कुम्हार हूँ और यह मेरा इकलौता बेटा है, इसे आप अपने शरण में रख ले गुरुदेव। मैं नहीं चाहता वह मेरी तरह सारी जिंदगी कष्ट करे, वह एक अच्छा इंसान बने, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ केशव।
उसे मेरे पास रहने दो, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। ठीक है गुरुदेव, अब मैं चलता हूँ गुरुदेव। उसके बाद त्रिकूट मुनि आश्रम में पराशर शिक्षा ग्रहण करने लगा। नीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र, गणित, दर्शन, सभी विषयों में पराशर, सभी विषयों का ज्ञान अध्ययन करने लगा। आश्रम के सभी विद्यार्थियों में पराशर गुण और विचार में सबसे अव्वल रहा। क्या कर रहे हो दोस्त? ओहो तुम हो, आओ आज आवाज। वह देखो, वह गोल चक्र तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। उस गोल चक्र में निशानेबाजी कर रहे हो? हाँ हाँ देखो ना मेरे दोस्त, निशाना ठीक से नहीं लगा पा रहा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ। निशाना लग जाएगा दोस्त, कोशिश करो। शाबाश दोस्त। सोमदत्त, पराशर, तुम दोनों को गुरुजी बुला रहे हैं। क्या बात है, गुरुजी इस समय क्यों बुला रहे हैं? वो मैं नहीं जानता हूँ, पर जल्दी बुलाएं। ठीक है तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, क्या बात है बताओ तो दोस्त। चलो ना जाकर देखते हैं। विषय बहुत गंभीर है, आप हिम्मत न हारे महाराज, धैर्य रखें, मैं देखता हूँ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। आओ आओ बच्चों, महाराज इन्हीं दोनों के बारे में मैं आपसे कह रहा था। क्या हुआ है गुरुदेव? यह है चंदनपुर के महाराज चंद्रदत्त, ये बहुत बड़ी समस्या लेकर मेरे पास आए हैं। क्या समस्या है महाराज? कुछ दिनों से चंदनपुर में एक समस्या दिखाई दे रहा है बेटा। राजमहल और प्रजाओं के घर से बीच बीच में मनुष्य गायब होते जा रहे हैं। कहाँ गायब हो जा रहे हैं वे लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। आश्चर्य की बात है। पिछले दिन मेरी बड़ी रानी की दासी ने आकाश में एक दानव को उड़ते हुए देखा है। है? दानव? पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज सुबह मेरे आँखों के सामने मेरे सेवक को एक भयंकर दानव उठा कर ले गया। मैं सब देखने के बाद भी कुछ नहीं कर सका। सुनो बच्चों, इन आश्रम के सभी छात्रों में से तुम दोनों सबसे ज्यादा वीर और बुद्धिमान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों ही इस समस्या का समाधान करो। हम लोग तैयार है गुरुदेव, क्या करना होगा बोलिए। ठीक है रुको तुम लोग, ये लो सोमदत्त, इस चक्र को अपने साथ रखो, मुसीबत के वक्त काम आएंगे। यह लो पराशर, इस चाकू को अपने साथ रखो, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। धन्यवाद गुरुदेव। अब तुम दोनों दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ो, वहां जाकर महर्षि भीगु से मिलो। महर्षि भीगु? वो कौन है गुरुदेव? वह सर्वज्ञानी है, इस जगत के सभी घटनाएं उन्हें पता है, वे इस समस्या का हल बता सकते हैं तुम दोनों को। और देर मत करो, अभी तुम दोनों निकल पड़ो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और कितना दूर है दोस्त? बहुत थक गया हूँ। कितना दूर है? दिन ढल गया है। सुनो दोस्त, आगे जाने की जरूरत नहीं, इसी पेड़ के नीचे हम लोग आराम करते हैं, सुबह फिर निकल पड़ेंगे।
यही ठीक रहेगा दोस्त। वो देखो चलो चलो उसी पेड़ के नीचे जाकर आराम कर लेते हैं। हाँ हाँ वही चलो। कौन हो तुम लोग? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? हाँ हाँ कौन बोल रहा है? ये देखिए मैं हूँ, मैं बेंगुमा, पेड़ के ऊपर हूँ। ओ तुम, हम लोग महर्षि भिगु से मिलने आए हैं। कहाँ रहते हैं वो बता सकती हो तुम? हाँ बता पाऊंगी मैं। थोड़ी से दूर में बिंद पहाड़ की गुफा में रहते हैं भिंगू, मगर तुम लोग वहाँ उतना दूर पैदल नहीं जा पाओगे। हाँ तो फिर कैसे जाएंगे हम लोग दोस्त? वहाँ जाना बहुत जरूरी है, कोई उपाय बताओ दोस्त। हम लोगों के तुम्हारे जैसे पंख निकल आए। जाओ तुम लोग, अब तुम लोग आसानी से बिंद पहाड़ पर महर्षि के पास पहुँच जाओगे। प्रणाम रिसीवर, किस कारणवश तुम लोग आए हो? क्या चाहते हो तुम लोग? रिसीवर, चंदनपुर राज्य में बहुत बड़ी मुसीबत आई है। वहाँ के प्रजा बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं। पूरा नगर खाली होते जा रहा है। लग रहा है कि दानव का अत्याचार। हाँ हाँ रिसीवर, हम लोगों को भी यही लग रहा है। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर 20 कोस दूर में एक राक्षस नगरी है। ये उन लोगों का ही काम है, चंदनपुर से मनुष्य को पकड़कर अपना भोजन बनाते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए तुम दोनों को वहाँ जाना होगा, और वह रास्ता बहुत ही कठिन है। क्यों रिसीवर, क्या है उस रास्ते में? रास्ते में मिलेंगे एक अग्नि सरोवर, उसे पार करके ही तुम्हें राक्षस नगरी में जाना होगा। बहुत सावधानी से पार करना होगा उस रास्ते को, अगर थोड़ी सी भूल हुई तो तुम दोनों की मौत हो जाएगी। मृत्यु का भय नहीं रिसीवर, हम लोग चलते हैं, आप आज्ञा दीजिए। आओ तुम लोग। उसके बाद पराशर और सोमदत्त राक्षस नगर के उद्देश्य से बहुत ही भयंकर रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते वे लोग आ पहुँचे वही अग्नि सरोवर के सामने। अरे ये तो मृत्यु कुंड दिख रहा है मेरे दोस्त, क्या करें? हाँ और कोई रास्ता नहीं मेरे दोस्त, आगे बढ़ना होगा। ओह आह बहुत थक गया हूँ दोस्त, और कितना दूर है कुछ पता नहीं। ओह ओह आह आज भोजन खुद चलकर आ गया मेरे पास। सावधान दानव, एक पैर भी आगे बढ़ाओगे तो मार दूंगा। तू मुझे मारेगा। सोम, गुरुदेव का दिया हुआ चक्र प्रहार करो। हाँ 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 चलो पराशर, अब राक्षस नगरी में प्रवेश किया जाए। बाप रे कितना बड़ा महल, लेकिन ये खाली क्यों पड़ा है, कोई दिख नहीं रहा है। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। लग रहा है कोई चिल्ला रहा है, लग रहा है कोई लड़की चिल्ला रही है। हाँ लेकिन किधर से आ रही है ये आवाज, समझ में नहीं आ रहा है। बचाओ मुझे बचाओ, रक्षा करो मेरा। अरे
अरे अरे वो देखो वो देखो, उस पिंजरे में कोई है। बचाओ मुझे, बचाओ। हाँ हाँ रुकिए रुकिए, मैं आ रहा। यह लीजिए, बाहर निकलिए निकलिए जल्दी। धन्यवाद। कौन है आप? मैं चंद्रकांता हूँ, सर्क की अप्सरा, राक्षस राज के राजा। मुझे छोटा सा गुड़िया बना के इस पिंजरे में बंद करके रखा था। तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? वापिस चले जाओ, वरना राक्षस राज लोग जानेंगे तो तुम्हें मार देंगे। हम लोग उसे मारने आए हैं। हाँ, उसको मारना इतना आसान नहीं है। क्यों? वो बहुत मायावी है, उसके सामने युद्ध करना बहुत ही असंभव। और कोई रास्ता नहीं है क्या? उधर मिट्टी के नीचे एक महाकाली का मंदिर है। उस महाकाली के हाथ में जो स्वर्ण दंड है, उसमें राक्षस राज का प्राण है। उसको तोड़ के दो टुकड़ा करना पड़ेगा, फिर वो राक्षस मर जाएगा। उस दानव के मरने के बाद वो अपनी समस्त माया शक्ति विलुप्त हो जाएगा और मैं फिर से अपने रूप में वापिस आ जाऊंगी। चलो दोस्त, हम लोग अभी उस महाकाली के मंदिर में जाते हैं। रुको सुनो, अभी दानव महाकाली के पूजा में लगा हुआ है। अभी जाओगे तुम लोग तो पता चल जाएगा। हम लोग अभी जाएंगे। चलो दोस्त। हाँ हाँ चलो चलो। जय माँ जय माँ। इस हवन के समाप्त होते ही मैं अमर हो जाऊंगा। जय माँ जय माँ। यह सपना तेरा कभी सच नहीं होगा शैतान। है? तुम लोग कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम लोगों का हिम्मत तो कम नहीं है? मुझे मारना इतना आसान नहीं। जाओ उस दंड को तोड़ दो। उस दंड को तोड़ोगे? उस दंड को छुओगे तो भस्म हो जाओगे तुम लोग। और यह लो पराशर। अरे मैं तो वापस ठीक हो गई, मैं अपने रूप पा गई। जल्दी से यहाँ से वापस बाहर निकलो, अभी तुरंत ये सब टूट के धस जाएगा नीचे। चलो जल्दी चलो। टेक वन। धन्यवाद। अगर तुम लोगों को मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं चली आऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। चलती हूँ। तुम लोगों की वीरता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम लोगों की वजह से ही चंदनपुर के प्रजाओं का प्राण बच गए। तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए अब और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोगों का शिक्षा संपूर्ण हुआ, अब तुम लोग अपने माता पिता के पास वापस जा सकते हो। अच्छा गुरुदेव, तो आज्ञा दीजिए, तो फिर चलते हैं। ठीक है, आओ आओ तुम लोग। लेकिन महाराज, यहाँ दानव राज को मारने के लिए इन
दोनों का कोई भूमिका नहीं था। इसका कारण यह था कि अगर शिवर चक्र और चाकू नहीं देते तो वे दोनों कभी भी दानव को नहीं मार पाते, इसलिए इन दोनों को वीर नहीं माना जा सकता है महाराज। बैताल, पराशर और सुंदर इस मायावी दानव शक्ति के आगे कुछ भी नहीं थे। उस मायावी दानव को पराजित करना संभव नहीं था, इसलिए मायावी शक्ति की सहायता लेकर वह दोनों अपने बुद्धि का परिचय दिए। अगर वे दोनों वीर न होते तो अग्नि सरोवर पार कैसे कर पाते? यहाँ पर भी वे लोग अपनी बुद्धिमानी दिखाए हैं। सारी मायावी शक्ति को तहस नहस करके राक्षस नगरी में पहुंचे और वहां जाकर महाकाली के मंदिर में जादुई दंड तोड़ दिए और मायावी दानों का वध कर दिए। इसलिए पराशर और सोमदत्त को वीर कहा जाता है। बैताल महाराज, आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। इसलिए अब मैं चला। जी सुनिए, राजसभा में काम कर रहे हैं और महीने का अच्छा खासा तनख्वाह उठा रहे हैं और ऊपरी कमाई भी कर रहे हैं और घर की पत्ते को दासी बना के रखे हैं। अरे क्या जरूरत है, जल्दी साफ साफ बताओ। मैं कहना ये चाहती हूँ कि एक नौकरानी रख लीजिए, घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना वो करेगी। केवल नौकरानी ही नहीं, एक नौकर भी लाना होगा। नौकरानी घर की सफाई और बर्तन धोने के काम आएगा। नौकर बाजार लाना, पशुओं को खिलाना पिलाना और कपड़े धोने का काम करेगा। तो फिर सब काम में देर किस बात की जाइए, एक नौकरानी नौकर को ढूंढ के लाइए। इतना कष्ट जो मैं करता हूँ, चाहूँ तो तुम्हारे लिए भूत के मुँह से भी राम राम निकलवा। चलता हूँ लक्ष्मी। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, सुनिए, सुन के जाइए। सचमुच लक्ष्मी, भोजन इतना स्वादिष्ट बना था ना, क्या बताऊं तुमको, अमृत, एकदम अमृत था। जितना नौकर नौकरानी रखो ना क्यों, भोजन लेकिन तुम ही बनाओगी, याद रखना। प्रणाम जी गोपाल बाबू। प्रणाम जी लक्ष्मी। आवाज लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे हम लोग भीख लेने नहीं आए हैं, आप काम के लिए आदमी ढूंढते थे इसीलिए आए। नाम क्या है? अजी नकुल। और साथ की स्त्री? क्या मेरी पत्नी बतासी है? बाप रे बाप, बतासी नकुल दाना सब एक साथ, छेना कहाँ है? यारा। अरे वाह, बताशा नकुलदाना छेना सब एक ही साथ सजा कर लाए हो, क्या क्या काम करना होगा जानते हो? क्या क्या काम करना है वो सब मुझे पता है, सिर्फ आप बताइए कितना तनख्वाह दीजिएगा। खाना पीना मिलेगा, साल में 4 साड़ियाँ मिलेगी और महीने के 12 रुपए मिलेंगे, समझे तुम लोग? बोलो तैयार हो? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है तब आज से ही काम शुरू करो। हाँ हाँ माँ जी, बताइए बर्तन धोने वाला जगह कहाँ है? उधर उस कुएं के पास। ठीक है माँ जी, चल बेटा चलते हैं। लक्ष्मी रात कितनी हो चुकी पता है? सोओगी नहीं क्या? आप सो जाइए, मैं इस कपड़े को सिल के सोऊंगी। महाराज कृष्ण चंद्र का परामर्शदाता गोपाल, जिनके दाएं बाएं दोनों हाथ में काम है, घर में 2 नौकर है, उसकी पत्नी फटे कपड़े सिलाई करके पहनेगी? छी 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 छी, इससे लोग क्या कहेंगे पता है? गरीब की पत्नी को ज्यादा सजना सवरना ठीक नहीं। इसमें रोने की क्या बात है बताओ, क्या हुआ है यह तो बताओ। पहले सुने, पहले पूरी बात बताओ, उसके बाद बिलक बिलक करो।
आज तालाब में पानी भरने गई थी। तालाब से नवीन की बीवी भी आई थी पानी लेने, और वो कान में सोने के झुमके पहनी थी। झुमके पहन के कितना वो इतरा रही थी और मुझे कितना ताने सुना रही थी कि हाँ घर में दो दो नौकर है और गहने एक भी नहीं। सुन के मुझे कितना शर्म आ गया। ओहो यही बात है, अच्छा अच्छा, तो मैं कल ही सोनार के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए दो जोड़े कनफूल ला दूंगा। ए देखो 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 मेरी गुड़िया रानी, आप तो थोड़ा हंस दो। अरे हंसो हंसो, आहा जाइए, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, जिसे कोई देखने ना पाए वही व्यवस्था करता हूँ। श्याम एकदम फालतू बात मत करो, मैं तुमको बोला था सीता मटर। अरे नहीं, आप मटर बिछिया बोले थे। हाँ सीता मटर बोला। अरे श्याम किस बात का झगड़ा हो रहा है? देखो ना गोपाल, तुम्हारी चाची श्याम को सीता मटर हार के बारे में बोली थी। यह मटर बिछिया तैयार कर दिया है, अब तुम ही विचार करो। सीता मटर कोमल लड़कियाँ पहन, चाची क्या छोटी लड़कियों के कपड़े पहनती है क्या जो सीता मटर पहनेगी? मटर बिछिया और सीता मटर में किसका वजन ज्यादा है? सीता मटर 4 तोले से कम में नहीं होता है। दो जोड़े कनफूल बनाने में कितना सोना लगता? यही पकड़िए, आधा भरी, एक भरी का दाम 10 मुहर है। इसका मतलब सब मिलाकर लगभग 4 मुहरे लगेंगे। तो सुनो, मैं हिसाब में तुम्हारे पास 4 मोहरे पाता था, तुम्हें तो जरूर याद होगा। हाँ हाँ याद है याद है, तो क्या हुआ है बोलो। ना ना बोल रहा हूँ, जब तुम मिल ही गए हो श्याम को भी कुछ अग्रिम राशि देनी होगी। इधर घर से आते समय मैं मुद्रा भी ज्यादा नहीं ले आ पाया। तब तुम पावना रकम मेरा दे दो, श्याम को अग्रिम दे दूँ। तुम मुझे ऐसा समझते हो? मांगूंगा नहीं, चाची के लिए सीता मटर हार बनवा रहे हो और मेरे चाहने पर ऐसे? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बूढ़ा हो चुका हूँ, लड़कों के सहारे रहता हूँ, इतनी रकम कहाँ से पाऊंगा बोलो। ऐसी बातें कहकर भुलवाओ मत, जल्दी जल्दी रकम निकालो। दे रहा हूँ दे रहा हूँ। याद रखना ये काम अच्छा नहीं किया गोपाल। ओ चाचा मेरी समस्या क्या होगी? छोड़ो, तुम्हारा कोई गहना नहीं चाहिए मुझे। यह बहुत बड़ा बदमाश है। क्या हुआ? ठीक से सोच कर देखो रघु, कर पाओगे तो? अरे चाचा लाठी की कसम खाकर कहता हूँ, एक ही बार में उसे यमलोक पहुँचा दूंगा। हा? इसको यमलोक पहुँचाने की बात हो रही है, मैं भी जरा सुनूँ तो। वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह गोपाल है। ये सब बात छोड़कर पहले ये बताओ वो कहाँ मिलेगा? सुनो। नहीं कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, चलता हूँ जल्दी जल्दी घर चलता हूँ। क्या क्या तुम ठीक से सुने हो तो? नील की आँखें और नकुल के कान कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। मेरे दिमाग में एक बात आई है, सुनो नकुल। समझ गए? हाँ हाँ मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ, आप एकदम चिंता मत करें। जा रहा हूँ लक्ष्मी, उधर हरिधन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जाइए जाइए, ठीक से जाइएगा। जय माता जी जय माता जी। क्या माँ जी चुपचाप बैठे क्यों हैं? कल रात से पता नहीं क्यों डर डर लग रहा है। बतासी पति जब घर से बाहर रहते हैं तो थोड़ा मन ऐसा लगता है। माँ जी देखिए कौन आ रहा है आपके घर पे। अरे ये तो वो है उनके दोस्त। अरे
भैया क्या हुआ है, आप वापिस आ गए हैं? आपका तबीयत ठीक है ना? अरे वो कहाँ है, चुप क्यों है आप? भाभी 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 क्या हुआ है उनको? गोपाल गोपाल चुप मत रहिए, बताइए ना क्या हुआ है? कल रात में उल्टी करते करते मर गया। हेजी अब कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? हेजी मैं किसके साथ रहूँगी? चाचा चाचा गोपाल मर गया। क्या रे कैसे? कल रात पूजा करने शिव मंदिर जा रहा था, बार बार उल्टी आने से मर गया। शिव मंदिर जाते जाते कैलाश पहुंच गया, ठीक है अब तो रास्ता साफ हो गया। अरे शमशान जाओगे क्या? ना वो सब काम तो रात में ही हो गया। अब उसकी पत्नी का मंगलसूत्र उतारना और सिंदूर धोना बाकी है, इसी के लिए भाग दौड़ हो रही है। पड़ोसी और रिश्तेदार? नहीं नहीं गाँव के ही कुछ लोग है। हाँ एक तीर से दो शिकार किया हूँ, तो आज रात में उसके घर में आग लगाकर उसकी पत्नी को भी मार डालो और उसकी सारी संपत्ति भी अपने हाथ में आ जाएगी। शुद्ध का शुद्ध और मूलधन भी मिल गया। बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी चलो। यही तो चल रहे हैं। ओ शर्मा चाचा, ओ शर्मा चाचा। तुमने आवाज दी क्या? नहीं तो। ओ शर्मा चाचा। अरे चाचा यह तो गोपाल की आवाज है। वह तो मरकर भूत हो गया है, वो कहाँ से आएगा? मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे गले में जनेऊ है, मैं भूत से नहीं डरता और विश्वास भी नहीं करता हूँ। ओ चाचा, ओ रघु। वही आवाज फिर से। अरे भूत हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। मैं तुम लोगों के पीछे ही हूँ, जरा मुड़ कर देखो। राम 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 राम। कैसे हैं चाचा? अच्छा हूँ। इतनी रात में जल्दबाजी करके कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर में आग लगाने? मेरे घर में आग लगाओगे? आज ही तुम दोनों की गर्दन मरोड़ूंगा। अरे बाप रे बाप, भागो भागो भागो। महाराज मुझे लगता है गोपाल का यथोचित अंतिम संस्कार नहीं हुआ। आप स्वयं कल उसके घर जाकर उसकी आत्म शांति के लिए आत्म संस्कार का क्रियाकर्म संपन्न करें। उसके साथ 100 ब्राह्मणों का भोजन और दान देने की व्यवस्था करें। ठीक है यही होगा। ठीक है तुम लोग जाओ, अंतिम संस्कार के समय कल गोपाल के घर आओ। जो आगे महाराज। महाराज तब आज्ञा दे। हाँ हाँ आइए आइए आइए। आज भोजन बहुत दमदार हुआ है, क्या चाचा? हाँ तुमने जो बोला ठीक है, साथ में लालटेन और कुछ लकड़ी लाते तो बहुत ही अच्छा होता। क्यों? सामने बाग बगीचा के पास बहुत डर डर लगता है। कुछ नहीं होगा, राम नाम जपते जपते चलते रहो। शरीर के रोए रोए खड़े हो रहे हैं। राम 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 राम। तो इन दोनों को मार मार के गला बड़ोड़ के खाऊंगा, मैं इन दोनों का मांस नोच नोच के खाऊंगा। वो चाचा वो अब कौन आ रहा है? तुम लोगों का खून पीऊंगा, हार्ड मांस खाऊंगा और चमड़े की ढोल बनाकर उस बांस के ऊपर बैठकर मजे में बजाऊंगा। लगता है गोपाल का भूत हम लोगों की गर्दन मरोड़ेगा। भागो चाचा भागो भागो। अरे 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 कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जाओगे बच्चे? गोपाल के घर में आग लगाना और
गोपाल को मारने का सजा तो मिलेगा ही। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, महाराज बचाए हमें, बचाइए हमें। दाह संस्कार और आत्म शांति करने के बाद भी क्या गोपाल का भूत तुम लोगों को खदेड़ रहा है? अरे गोपाल का भूत केवल तुम लोगों को ही क्यों परेशान कर रहा है? गोपाल आग लगाने गए थे इसलिए। आग लगाने गए थे मतलब? उसके पिता से मैं बाल बनवाता था, उसके पिता कुछ मुद्रा पाते थे। कुछ दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई और परसों जब मैं गहने खरीदने निकला था तो वही बाकी मुद्रा गोपाल मुझसे जबरन वसूला था इसलिए। छी 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 छी, यह बहुत बड़ा अन्याय है और इसका दंड तुम दोनों को भुगतना ही पड़ेगा। सिपाही कैद कर इन्हें कारागार में डालो। महाराज इस बार दया करके छोड़ दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं भी वादा करता हूँ जीवन में ऐसा अपराध कभी भी नहीं करूँगा। हाँ महाराज। बाप रे बाप, भूत भूत बाप। ये लोग जब अपना अपराध खुद स्वीकार कर लिए हैं तो छोड़ दिया जाए महाराज। गोपाल मुझे मत मारो, मैं गया जाकर तुम्हारा पिंडदान कर दूंगा, छोड़ दो मुझे। क्या महाराज, मैं मरा कब था कि जो आप मेरा पिंडदान कर देंगे? हाँ शर्मा और रघु द्वारा मुझे जान से मारने की योजना बनाने की बात मेरा नौकर नकुल सुन लिया था, इसलिए मैंने भी यह चाल चली थी। आज शाम मैं अपने मित्र हरधन के घर जाऊंगा और इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, समझ गए? तुम ध्यान रखना। तब लोगों को मैं क्या बताऊंगा? तुम बोलोगे कि मैं शिव मंदिर में पूजा करने गया हूँ। उसके बाद? उस रात जब मैं शिव मंदिर पूजा करने जा रहा था तो रास्ते में ही उल्टी करते करते मर गया, यही खबर लेकर हरदन आएगा, शिव का खबर देगा। खबर चारों ओर फैल जाएगी और बदमाशों को पकड़ने में आसानी और सुविधा होगा, समझ गए? हाँ, तब तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन सावधान, मेरे जीवित रहने की खबर कोई जान न पाए और हर समय शर्मा के ऊपर नजर रखोगे और समय निकाल कर उनके गोपनीयता की खबर हमें देते रहना। ठीक है मालिक, इसकी चिंता आप एकदम नहीं करना। महाराज इसके बाद तो आप सब जानते हैं। सब कुछ तो समझे, लेकिन ये तीनों कौन है? यह नकुल का लड़का छेना है और ये दोनों उसके दोस्त हैं। इनके नाम हैं रामू और श्यामू। आप जिंदा हैं, मरे नहीं? सुन के मेरी क्या हालत हो गई थी आपको पता भी है? सुनिए रुकिए, अभी मैं आपकी खबर लेती हूँ। अरे बाप रे बाप, बचाओ 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 बचाओ। Yeah.
महाराज विक्रमादित्य, मैं सुना हूँ कि आप बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान एवं विलक्षण व्यक्ति हैं, फिर भी आप मूर्ख की भांति मुझे कंधे पर लादे हुए चुपचाप चलते जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रास्ते में कहानी सुनते सुनते आपकी थकावट दूर होगी और रास्ता भी सुगमता से कटेगा। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर जानते हुए भी अगर आप चुप रहे तो उसी क्षण आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, और अगर आप सही उत्तर दे देंगे तो मैं फिर से अपने उसी पेड़ की डाल पर चला जाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ। निश्चितपुर एक बहुत गरीब गांव था। निश्चितपुर गरीब होकर भी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे गांववासी। उस गांव में बहुत ही गरीब परिवार का एक लड़का था रघु। बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था रघु। विधवा माँ के साथ रहता है रघु। बेटा सुनो। अरे बाप रे, उठ उठ, कुछ काम धंधा भी तो किया कर। दिन भर सोता रहता है, कुछ काम करने का कोशिश तो कर। एक विधवा माँ पे तेरा कुछ दया नहीं आता। अरे बाप रे, उठ उठ, कुछ काम धंधा भी तो किया कर। दिन भर सोता रहता है। ओह, फिर सुबह सुबह शुरू हो गई आप, सोने दीजिए मुझे। हाँ, अरे खेलने तो जा सकता है, दोस्तों के साथ जाके थोड़ा खेल लोल, थोड़ा शरीर तेरा ठीक रहेगा। दिन भर खाना खाता है और सोता रहता है, अपना चेहरा तो देख। एक विधवा माँ पे तेरा कुछ दया नहीं आता। बैठ। क्या माँ, शांति से आप सोने भी नहीं देती हैं? हाँ रघु, ओ रघु, देख देख तेरे दोस्त लोग आ गए हैं। जा जा बेटा जा, बाहर जाके खेल थोड़ा थोड़ा, बाहर जा तो। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या रे, फिर सो गया क्या सुबह सुबह? हाँ देख देख तेरे दोस्त लोग आ गए हैं। जा 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 रहा हूँ जा रहा हूँ। उफ, कितना चिल्लाते हैं आप। क्या हुआ, आ क्यों नहीं रहा? आ रहा हूँ आ रहा हूँ, यही ठीक है, जंगल में जाकर निश्चिंत होकर सो जाऊंगा। अरे नींद पूरा हुआ तेरा, चल चल चल। रघु की नींद एक आश्चर्य वाली नींद थी। वह जब सोता था एक सपना देखता था और उसका सपना हमेशा सच होता था। लेकिन यह रघु की दुर्भाग्य थी, उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गया, आज खेलना नहीं है क्या? तुम लोग जाओ, मैं यहाँ सोऊंगा। ओए, फिर से तू सोएगा, जाके मर, यहीं पे सो, हम लोग जा रहे खेलने, समझा ना? हाँ तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे सो जाता हूँ। बहुत नींद आ रही है। बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ हाँ निताई, निताई निताई। हाँ अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ? जरूर सपना देखा होगा। क्या रे क्या हुआ? हाँ सुनो, तुम लोग उस जंगल के तरफ बिल्कुल मत जाना। क्यों, क्या है वहाँ पर? वहाँ पर भयंकर पेड़ है। ओह,
सपना देखा है ना, सब जानता। मत जाओ मत जाओ, सुनो मेरी बात, उधर मत जाओ। खेलने के बाद घर में लकड़ी ले जाना है, नहीं लेकर जाऊंगा तो माँ मुझे बहुत मारेगी, समझाना। हाँ चल यादव। विश्वास ही नहीं किया, पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ ए कुल्हाड़ी दे मुझे, पेड़ पर चढ़कर कुछ लकड़ियाँ काटता हूँ। ये ले पकड़। हाँ दे मुझे, पेड़ पर मत चढ़ना, मैं लकड़ी काट कर दूंगा, उसे बांध कर रखना, लकड़ी उठाना। ठीक है तू पेड़ पर चढ़। कितना खतरनाक है। बचाओ 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 मुझे, मुझे काटने आया है, मैं तुझे खा जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भागो भागो, भाग 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 यहाँ से, जल्दी भाग जल्दी जल्दी। अगर उस वक्त उसकी बात मान लेते तो हम लोग आज नहीं फंसते। हाँ रघु, जो घटना होने वाली होती है वो तुझे पहले से कैसे पता चल जाता है? ये देखो फिर से ये सो गया, इतना जल्दी कैसे नींद आ जाती है इसे। अब जमींदार बाबू को एकदम सही जवाब दूंगा। क्या बोल रहे हैं रहमान? ठीक ही बोल रहे हो हरी भाई। वो बोल रहा था मेरा जमीन ले लेगा, कैसे ले लेगा, उसके बाप दादा कहेगा हाँ कैसा हुआ है मेरा फसल। सोने जैसा हुआ है फसल तुम्हारा, तो अब तुम जमींदारों का पैसा चुका दो। हरी काका क्या हुआ है बताओ ना। क्या बोलूं बेटा, वह जमींदार बोल रहा है अगर खजना नहीं दोगे तो अपना जमीन मेरे नाम कर दो। हाँ क्या बोल रहे हो चाचा, अब क्या कीजिएगा आप? सच में यह जमींदार ना बहुत बड़ा शैतान है दोस्त, इतना आसान है क्या? इस बार का फसल मेरा सोने जैसा हुआ है, कल ही धान काटूंगा और उसे बेचूंगा और उस बदमाश को अच्छी तरह जवाब देकर आऊंगा। क्या समझ रखा है मुझे? हाँ सच में जमींदार ना बहुत बड़ा शैतान है। हाँ ए तेरा नींद खुला क्या रे, क्या हुआ ऐसे क्यों बैठा है? हाँ क्या रे, तेरा नींद पूरा नहीं हुआ है क्या? नहीं यार, एक बहुत बुरा सपना देखा हूँ। हाँ फिर से सपना देखा हूँ। बोल रहा है? हाँ रे मैं साफ साफ देखा हूँ। तू कोई अच्छा सपना नहीं देख सकता है क्या? जब भी देखता है तो बुरा ही सपना देखता है क्यों? चल चल जल्दी चल, अभी जाकर हरी चाचा को यह बात बता देते हैं। हाँ वो हमारी बातों का विश्वास नहीं करेंगे बल्कि मजाक उड़ाएंगे। चल पहले बता तो देते हैं। चलो तब। रघु सपना देखा है, मैं उसकी बात सुनकर रात भर जगकर खेत की पहरेदारी करूंगा। उस लड़के का काम क्या है, दिन भर खाएगा और सोएगा। हरी चाचा बात मानिए, वह जो भी सपना देखता है ना उसका सारा सपना सच हो जाता है। जाओ जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से, सुबह उठकर मुझे धान काटना है। दया सर्वनाश हो गया, आज तुम बच्चों की बात सुनते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरा सारा फसल जल गया। क्या करूं मैं इस लड़के का, सिर्फ दिन रात सोता रहता है,
कोई काम धंधा नहीं है, ना ही खेलने कूदने जाता है। पता नहीं क्या करूं मैं मर जाऊं तो। ओ रघु, घर पे नहीं हो क्या? हाँ, क्या हुआ है बेटा? क्यों बुला रहे हो तुम रघु को? क्या हुआ है बेटा? माँ जी, आप हैं घर में, अच्छा हुआ। सुनिए, राजमहल में एक काम के लिए तंदुरुस्त जवान लड़का चाहिए, तो मुझे रघु की बात याद आई, इसलिए आया हूँ यह बात बताने के लिए। आपकी क्या राय? हाँ हाँ बेटा, करेगा करेगा, रघु काम करेगा। कब से जाना पड़ेगा बेटा? जितना जल्द हो सके राजमहल भेज दीजिएगा। हाँ अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रघु, अरे रघु, उठ बेटा, उठ बेटा, उठ उठ। ओ क्या हो गया अब? सुन बेटा, राजमहल में तेरे लिए काम आया है, जा जा, तू जाके बात विचार कर ले। मैं नहीं जाऊंगा। जा, नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाने से मैं मर जाऊंगी तो क्या करेगा? ओह, परेशान करके रख दिए। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। जा जा बेटा, जा जा, जल्दी जा बेटा। जा रहा हूँ। हे माता रानी, इसको काम में लगा देना। तंदुरुस्त लग रहे हो, आज से ही काम पर लग जाओ। हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुनो, सारी रात पहरेदारी कर रही होगी, सो मत जाना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोऊंगा, एकदम बिल्कुल नहीं सोऊंगा। हे भगवान, ये ऐसा ही काम मुझे देना था। हाँ, और क्या कर सकता हूँ, करना तो पड़ेगा ही। हाँ, सारा राज्य सो रहा है और मैं अकेला जग कर पहरा दूंगा। थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा सा सो लूं। चलो सारथी, चलो जल्दी चलो। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बचाओ 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 बचाओ। हा हा, चलता हूँ महामंत्री। महामंत्री जी, महामंत्री जी, महामंत्री जी, रुक जाइए। हाँ, हाँ। क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? कौन है वो, पहले तो नहीं देखा। महाराज, ये रघु है, कल से इसे पहरेदारी पर रखा गया है। ये क्या बोलना चाहता है? महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मतलब तुम्हें बता कर जाऊंगा क्या? हाँ? जाओ अपना काम करो। बताइए महाराज, यह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इससे आपका मंगल होगा। ओह महाराज, मथुरा जा रहे हैं? रोज सुबह जाते हैं। नहीं महाराज, आज मत जाइए। क्या, क्यों नहीं जाऊंगा? बताओ मुझे। जंगल के रास्ते आपके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, आप दानव के हाथ में फंस जाएंगे, मत जाइए महाराज। तुम्हें कैसे पता? महाराज, कल रात को मैं सपना देखा हूँ। ओ, तुम पहरेदारी नहीं करके सो रहे थे? हाँ महाराज, मैं थोड़ा सो गया था और तभी मैं सपना देखा हूँ कि आप मथुरा गए हैं और आपका रथ एक खाई में गिर गया है और आपको एक दानव ने पकड़ लिया है। वह बोल रहा था कि मैं बहुत भूखा हूँ, आपको खा जाऊंगा। तुम सपना देखे हो और मैं तुम्हारा बात मानकर मथुरा नहीं जाऊंगा? हाँ चलो सारथी। जानता हूँ महाराज, फिर भी एक बार आप मान जाते। क्या महामंत्री, आप भी? ठीक है महाराज, लेकिन आज आप अकेले ना जाएं, कुछ सैनिकों को साथ ले जाएं। लेकिन मथुरा तो मैं अकेले ही जाता हूँ, आप तो जानते हैं महामंत्री, ये कोई नई बात नहीं है। जानता हूँ महाराज, फिर भी एक दिन मान जाते। ठीक है,
भेजो साथ में सैनिकों को। घने जंगलों में आ पहुंचे महाराज। हैं ये क्या? बचाओ, खाई में गिर गए हैं। बचाओ, निकालेंगे कैसे? तो चलो जल्दी निकालते हैं महाराज को। मारो, मारो, ये क्या? इतना बड़ा दानव? मैं तुम्हें खा जाऊंगा महाराज। प्रहरी, मारो जल्दी, मारो जल्दी, भागो। आज तुम्हारी वजह से मेरे प्राण बच गए। महामंत्री, रघु को 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दिए जाए। जैसी आज्ञा महाराज। ये लो रघु। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। और दंड स्वरूप तुम्हें राजमहल से अभी बर्खास्त किया जाता है। बोलिए तो महाराज, उस रघु को महाराज अपने प्राण बचाने के लिए पुरस्कार स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिए और साथ ही साथ दंड स्वरूप राजमहल की नौकरी से बर्खास्त क्यों कर दिए? बैताल, रघु सो गया और सपना देखा और महाराज के आने वाली विपदा से पहले ही सतर्क कर दिया, जिसके फलस्वरूप महाराज के प्राण बच जाते हैं। इसलिए महाराज पुरस्कार स्वरूप रघु को 1000 मुद्राएं देते हैं और दूसरी तरफ रघु को राजमहल की नौकरी से निकालते हैं, क्योंकि उसका कर्तव्य यह था कि रात भर जगकर पहरेदारी करना, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वह अपना फर्ज नहीं निभाता, इसलिए महाराज उसे दंड स्वरूप सजा देते हैं। महाराज, आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, इसलिए अब मैं चला महाराज। गोपाल और नेपाल दोनों उपस्थित हैं। मुर्शिदाबाद राज दरबार में आप दोनों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप जानते होंगे आप लोगों को क्यों बुलाए। हाँ सुल्तान बहादुर, जानते हैं। मैं न ये नेपाल, बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, यही आप परखना चाहते हैं ना? आप दोनों प्रस्तुत हैं? हाँ सुल्तान बहादुर। अच्छा तो ठीक है, इस बार मैं आप दोनों को 3 मनुष्य लाने को कहूँगा, जिसमें से एक नदी के इस पार रहेगा और एक नदी के उस पार और तीसरा आदमी नदी के बीच रहेगा और समय देंगे 1 दिन। जो यह काम अच्छी तरह कर लेगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। जाइए, अब आप लोग काम में लग जाइए। हाँ, दया कर हमें छोड़ दीजिए, हमें दया कर छोड़ दीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, क्यों डर रहे हो? डरो मत, सुल्तान बहादुर तुम लोगों से मिलना चाहते हैं, मिलकर चले आओगे बस। ये हम लोगों की हत्या तो नहीं करेंगे ना? तो फिर सुनो, कल तुम ठीक 10 बजे राजमहल के मुख्य द्वार पर चले आना और मैं आकर खुद तुम्हें ले जाऊंगा राजमहल के अंदर। अच्छा। माँ आओगी ना? माँ कहकर बुलाए हो तो माँ अपने बेटे के तकलीफ में कैसे नहीं जाएगी? जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी।
लेकिन पुत्र मैं एकांत में साधना कर रहा हूँ, फिर मेरी जरूरत क्या है? डरिए मत सन्यासी जी, आप वहाँ बस कुछ क्षण के लिए जाइएगा। हाँ, इसके बाद वापस आप अपने स्थान पर चले आइएगा। आप जरूर आइएगा। ठीक है, अवश्य जाऊँगा। तुम चिंता मत करो गोपाल, मैं जरूर जाऊंगा। तुम बोलो और मैं ना जाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? प्रणाम सुल्तान बहादुर, यह देखिए आपके कथनानुसार मैं तीन व्यक्तियों को हाजिर किया हूँ। यह व्यक्ति किसान है, नदी के इस पार था। यह व्यक्ति कुम्हार है जो नदी के उस पार मिट्टी उठा रहा था। अगर विश्वास ना हो तो इन लोगों से पूछ लीजिए। और गोपाल? नवाब बहादुर, मैं पहले आपको यह बता दूं कि आप यहाँ नदी का कोई नाम स्पष्ट नहीं किए थे, इसलिए मैं तीन मनुष्य को लेकर आया हूँ, जिसमें से एक पुजारी है और ये ब्राह्मण है, और ये हमेशा यही सोचते हैं कि इनके भक्त हमेशा बढ़ते रहें और दक्षिणा में फल चावल पैसे हमेशा मिलते रहें और इसी कर्म में हमेशा व्यस्त रहते हैं। हाँ, इसलिए ये नदी के इस पार है और ये सन्यासी हैं। कर्म क्रोध मोह माया त्याग कर घने जंगलों में बैठ के जीव जंतुओं के बीच में गहरे ध्यान से ईश्वर की साधना करते हैं। ईश्वर के ध्यान में भूख प्यास भी मिट जाती है, इसलिए कहा जाता है ये नदी के उस पार के हैं। और ये एक माँ है, हमेशा अपने बच्चे की सेवा करती, इसको अपनी भी फिक्र नहीं है और न फिक्र है ईश्वर की, इसलिए इनको कहा जा सकता है ये बीच नदी के मनुष्य हैं। क्या समझे महाराज? सचमुच गोपाल, तुम बुद्धिमान ही नहीं बल्कि महान विद्वान हो। और यह लो अपना पुरस्कार। आज तुमने नदिया राज्य का मान बचा लिया, यह लो पुरस्कार। आपका यह पुरस्कार से मैं धन्य हो गया महाराज।